फ्रेंड्स, आज हम निकल रहे हैं जयपुर से ऋषिकेश या फिर जयपुर से हरिद्वार निकलने वाले हैं। मैंने ट्रिप रीसेट कर दी है, अभी मैं घर से निकला था, कोल्ड स्टार्ट वगैरह सब कर लिया, 3 किलोमीटर की दोनों रीसेट कर दिए। 2241 दिखा रहा है नाम अपने ओडो, और 2121 की रेंज दिखा रहा था, 3.1 दोनों रीसेट कर लिए। एक आगे जाके रीसेट कर लेंगे अपन जो फ्यूल के लिए, तो फ्यूल मैं डलवाने वाला हूँ हरियाणा के अंदर की। हरियाणा के अंदर जो पेट्रोल है वो सस्ता है 10 रुपये जयपुर से, जयपुर में नहीं भरवा के और वहीं पे भरवाएंगे। और अभी हमने ज़रूरत की जितनी चीज़ें यूज़फुल चीज़ें सब ले ली, चाहे वो एयर कंप्रेसर हो, चाहे आपका बोल सकते हो खाने पीने की चीज़ें, पानी वानी सब ले लिया। पीछे हमारे देखो रखा हुआ है। अभी दो साथी बनाने वाले, तो सामान उनका भरने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, अपडेट करूंगा क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी गाड़ी भर गई है। तो हमको डाइवर्जन मिल गया आते निकलते पहले ही, कोई बात नहीं। अभी टाइम हो रहा है 6:12, चल लूँ क्या? 6:12 टाइम हो रहा है, और लाइट की परफॉर्मेंस देखो आप, तो HID की प्रोजेक्टर में डली हुई है लो बीम पे, मस्त आउटपुट मिल रहा है, और अच्छा खासा टेस्टिंग हो जाएगी गाड़ी की भी, लाइट की भी, एवरेज की भी, और हर चीज की टेस्टिंग है इस ट्रिप पे हम करने जा रहे हैं। ऑफ रोडिंग करी थी आपके सामने, देखिए ऑफ रोडिंग चली थी अभी, तो अभी ट्रिप शुरू हुई है, और ये देखो डायरेक्ट खड्डे के अंदर बिना सोचे। नेक्स्ट वन का ये फायदा तो है कि ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से सोचना नहीं पड़ता कि खड्डे वड्डे में निकाले या निकाले, तेज निकाले स्लो निकाले, कोई दिक्कत नहीं होती। मिल गया क्या एंटीना? लगा 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 इसको लगा साकीना, ये लो लगा के रास्ते में गिर जाए। जो गणेश जी महाराज की जय। चलो भाई हम तो मंदिर जाके आए, जो भी लेट हो गए। हाँ सही में आ गए हैं, जय बार। चलो उधर आ गया, खूब सारे उठ के आ गए। अभी हम हाईवे पे आ चुके हैं, अभी गाड़ी चल चुकी है 50 किलोमीटर, और माइलेज दिखा रहा है 15.2 का। दिन भी हो गया, और दिन भी हो गया, बस सनराइज होने वाला है। राइट साइड दिखा दे, किसान ने हमको बताया था कि यहाँ से रास्ता ब्लॉक है हाईवे वाला, और उसने कहा कि हमारे खेत से ले जाओ आप, तो उसे खेत में बढ़िया बिछा रखी है टाइल्स वगैरह, यहाँ पे गाड़ी चलाने का मौका दिया उसने। और चेक करते हैं कितना आता है फ्यूल। कार्ड लगा लेते हैं। कॉल। ओ सरप्राइज। सरप्राइज तो जीवन में यार ऐसे खोल लूँगा ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं वही खोलना है। अरे खुलता है वो। तो भाई बावल से 8 किलोमीटर आगे ये बाबा भारती ढाबा है, हमने यहाँ पे पराठे खाए, एक नंबर मस्त पराठे मिलते हैं, लूणी मक्खन के पराठे हैं गजब, चटनी वटनी एक नंबर देते हैं, चटनी वटनी जरूर टेस्ट करना, रिकमेंड करते हैं हम। भाई आपको दिखाते हैं बूट में क्या क्या सामान हमारे पास पड़ा है, 4 बंदों के हिसाब से। ये तो खाने पीने की चीज़ें हो गई, सब के सब रखी हुई है, हमने पानी के लिए भी रखा हुआ है वहाँ पे।
चार बंदों का सामान है पांच दिन का, ट्रे निकाल दी और ट्रे जो है पार्सल ट्रे निकाल के रख दी हमने। एक ये हो गया बैग, ये छोटे बैग जो अपने होते हैं, और साथ में एक बड़ा बैग भी पड़ा है यहाँ पे नीचे जो कि आराम से बूट के अंदर आ गया। देखो अब चार बंदों के हिसाब से तो आ जाता है सामान, कोई दिक्कत देगा ही नहीं, और भी बहुत सारी जगह पड़ी है, दो ट्रॉली बैग आराम से आ सकते हैं। क्या हो गया बता भाई क्या हो गया? तो ये है वो, ये है वो। फेमस हो गया तू। तो भैया यहाँ पे हमको कौन सा हाईवे जा रहे? ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली के जो सी हाईवे बोलते हैं जिसको, उससे जा रहे हैं। यहाँ पे हमको 120 की लिमिट मिल गई है तो हम 120 चला रहे हैं, और गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन है, देखना आप 120 लेता हूँ। और यहाँ पे ओवर स्पीड भी लिखाता है MID के अंदर, स्टीयरिंग पे दिखा दे वाइब्रेशन। प्रॉपर वाइब्रेशन देख सकते हो, मालूम चल रहा है वाइब्रेशन कितना आ रहा है गाड़ी में। साथ में ये बीप आती रहती है कंटिन्यूसली, 120 से ऊपर जाती है। प्रॉपर रखे हैं 120 ही है, कंट्रोल नहीं होना मेरे को। तो 120 सॉफ्ट आवाज आती है उसके साथ, 120 के नियर अगर आप चलाओगे तो भी ये जो आवाज़ है कंटिन्यूसली आती रहती है, सॉफ्टली आती है, ज़्यादा कोई मतलब आप कानों में चुभने वाली टाइप की नहीं आती है, सीट बेल्ट की आती वैसी नहीं आती, सॉफ्ट आवाज़ आती है। जैसी मारे पूरा अच्छा वाइब्रेशन, ये ओवर स्पीड का दिखा रहा है, ओवर स्पीड कट गया। तो इसके बाद भी गाड़ी में वाइब्रेशन खत्म नहीं हुए हैं। हरिद्वार पहुंच चुके हैं, किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है 534 टोटल, पेट्रोल लगवाने के बाद 348, पेट्रोल लगवाने के बाद मैं दिखा रही है एवरेज 17.9 और टोटल ओवरऑल की बात करते हैं तो 18.2 दिखा रही है एवरेज। और अभी हम यहाँ पे पार्किंग में खड़े हैं और जो टाइम हो गया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 4 बज गए हैं, उनको पहुँचे हुए कम से कम 15 मिनट हो गए। यहाँ पे ड्राइव स्मूथ थी, माइलेज आपको बता ही दिया है, हमने एक साथ में गिम्बल खरीदा था ओस्मो ओम 4, तो इसका भी आज यूज़ करेंगे, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हमको इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिर हम मिलते हैं, पूजा वाला सीन भी दिखाते हैं आपको साथ में, और फिर मिलते हैं।
हमको मोहन जी की शॉप मिल चुकी है जो पूरी के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है जीवन में, ये ऐसा बताते हैं इधर अब असली की बातें से मैं है तो है नहीं है जो तो है फेमस है जो है दो बच्चे और छोड़े तो हमने डे वन में चला दिया टोटल 5-7 किलोमीटर और अभी हम आ चुके हैं ऋषिकेश में। एवरेज दिखा रहा है 17.6 टोटल ट्रिप का। हरिद्वार से ऋषिकेश का रास्ता था, उसके अंदर थोड़ा माइलेज ड्रॉप हो गया था और वैसे पेट्रोल लगवाने के बाद में 381.6 किलोमीटर चल चुकी है और 17.2 का एवरेज दिखा रहा है और फ्यूल आप देख रहे हो यहाँ पे इतना आ चुका है और रेंज जो भी दिखा रही है वो आगे 277 पे, पहले कुछ करीबन 550 के करीबन दिखा रही थी, तो मतलब एवरेज ठीक ठीक सही सही दे रही है गाड़ी और फाइनल आपको टाइम टू टाइम बता ही देंगे। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। आप शुरू करना है